चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ी हिंदी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में स्थापित चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सुश्री शगुफ्ता श्री को सादर विनती करता है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार छत्तीसगढ़ शासन अंग्रेजी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में स्थापित मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से श्री डी श्याम कुमार को सादर विभूषित करता है। दानवीर हामा शाह सम्मान छत्तीसगढ़ शासन दानशीलता सौहार्द और अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में स्थापित दानवीर भामाशाह सम्मान से श्री रमेश मोदी को सादर विभूषित करता है। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान छत्तीसगढ़ शासन देश के बाहर उल्लेखनीय कार्य के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान से डॉक्टर श्याम नारायण शुक्ल को सादर विभूषित करता है। भगवान हनुमंतरी सम्मान छत्तीसगढ़ शासन आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित भगवान हनुमंतरी सम्मान से डॉक्टर राजा राम वर्मा को सादर विभूषित करता है। बिलासा भाई क्यों टीम सम्मान छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन के क्षेत्र में स्थापित बिलासा भाई क्योटिंग सम्मान से श्री इमरान खान को सादर विभूषित करता है। तालियों की करतल ध्वनि से सभी सम्मानित जनों का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत भाषा सम्मान छत्तीसगढ़ शासन संस्कृत भाषा के क्षेत्र में स्थापित संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर श्रीमती मनीषा पाठक को सादर विभूषित करता है। डॉक्टर हमर सिंह पोर्टे सम्मान छत्तीसगढ़ शासन आदिवासियों की सेवा और उत्थान के क्षेत्र में स्थापित डॉक्टर भंवर सिंह पोर्टे सम्मान से रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को सादर विभूषित करता है। संस्था के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई है। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान छत्तीसगढ़ शासन श्रम के क्षेत्र में स्थापित महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान से संयुक्त रूप से श्री ए सुमन नायक और श्री गोपीलाल साहू को सादर विभूषित करता है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान छत्तीसगढ़ शासन
अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में स्थापित पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से श्रीमती नवी मोनिका पांडे को सादर विभूषित करता है। राज्य अलंकरण के पश्चात हम प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन विशिष्ट जनों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनकी नए रायपुर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री पी जॉय उम्मे, नया रायपुर अभिकल्पना और उसे मैदानी स्वरूप में बढ़ने में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे 1977 बैच के आईएएस अधिकारी श्री पी जॉय उम्मे की अविस्मरणीय भूमिका है। नया रायपुर के समग्र और समाहित विकास की सुदृढ़ पृष्ठभूमि श्री उम्मेद की कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भावना का जीवंत दस्तावेज है। उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए सम्मान स्वरूप राज्य शासन द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री डी वी शेखदार, नया रायपुर के प्रारंभ से लेकर अब तक की योजना तैयार करने में श्री डी वी शेखदार आत्मीय रूप से जुड़े हैं। सिडको नवी माननीय राज्यपाल श्री शेखर दास जी, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरण दास महंत जी, विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे जी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, सांसदगण, दूर दूर से आए हुए, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से आए हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ राज्योत्सव का अंतिम दिवस पर। साथ साथ नया मंत्रालय के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल जी मुझे आमंत्रित किया। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। राज्य बनने के साथ साथ छत्तीसगढ़ तेज से आगे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया राज्य की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट हुआ, राज्य के कृषि के विकास 6% हुआ, राइस के उत्पादन से छत्तीसगढ़ का बहुत भारी योगदान था। साथ साथ मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ इसीलिए कि मैं हिंदी में पूरा आपसे बातचीत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी कमजोर है। इसलिए मैं दो चार शब्द अंग्रेजी में भी कहूँगा। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर इन नया रायपुर, the new capital city of Chhattisgarh, on the occasion of the 12th foundation day of this beautiful state. This is my first visit to Chhattisgarh after assuming the office of the president. I am extremely happy that this occasion affords me the opportunity to meet a cross-section of the vibrant literary and academic communities of this new and fast-growing state. I extend my warm greetings to all of you and through you to more than 25 million people of this beautiful state.
Chhattisgarh is a new state, but with rich ancient history,